बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। फ्रेंड्स, मैं नॉर्थ कामलोली, आप देखना शुरू कर चुके हैं अंबेडकर पीपल्स वॉइस। दरअसल आपको बता दें कि जो दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। दरअसल आपको बता दें, पिछले दिनों बसपा सुप्रीमो मायावती ने 3 राज्यसभा सांसदों को दिल्ली में लगाया गया था, जो कि बीएसपी की मजबूत सीटें मानी जाती है, उन पर उनकी तरफ से लगाया गया था। और आपको बता दें कि उन्हीं सीटों पर अब काम भी धीरे धीरे वो शुरू कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की विधानसभा चुनाव को लेकर जो चुनाव की वर्किंग कमेटी है उसको तेज कर दिया गया है। दरअसल आपको पैसे तो बताएं कि ये जो काम अब हो रहा है, ये काम अगर चुनाव से 2-3 साल पहले होता तो शायद बीएसपी के लिए अच्छा सुखद परिणाम यहां पे आ सकता था, लेकिन अब वो धीरे धीरे वर्किंग कमेटी कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जान पहचान कर रहे हैं, तो उसके बाद टिकट का काम 14 तारीख से नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे, नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो उसके बाद यहां पर किस तरीके से वो आगे बढ़ेंगे ये कहना मुश्किल होगा। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा ने चुनाव में वर्किंग कमेटी शुरू कर दी है और प्रथम चरण में 5 जिले कवर कर लिए गए हैं। अलग अलग सीटों पर है वो बहुजन समाज पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है। कुल मिलाकर अगर हम देखने की कोशिश करें तो एक चीज साफ नजर आती है कि अलग अलग सीट पर तैयारी जो शुरू हुई है उसी के मद्देनजर दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा ने चुनाव में जो वर्किंग कमेटी तैयार की थी उसको लेकर बहुजन समाज पार्टी के काम है वो धीरे धीरे शुरू हो चुका है। 14 तारीख से यहां से नॉमिनेशन दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए शुरू हो जाएगा, 21 तारीख को वापस ले सकते हैं नाम, तब अंतिम तारीख होगी 21 तारीख तक, और उसके बाद आपको बताया कि 8 को मतदान होगा, 11 को नतीजे सामने आएंगे। तो बीएसपी के लिए कम समय कुछ तो नहीं बचा है, लेकिन अब कितनी ताकत वो दिखा पाती है यही बीएसपी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। खुद बसपा सुप्रीमो मायावती भी इस समय दिल्ली में है और आपको बता दें कि अपने दिल्ली स्थित आवास पर ही है, तो वो ज्यादा से ज्यादा अगर समय देकर अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स से खुद मिलकर अगर तय करती है आगे की रणनीति तो बीएसपी के लिए अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है, वरना अगर प्रभारियों के इनके पीछे ही छोड़ा जाता है तो बीएसपी के लिए परिणाम इतने सुखद आने की कोई भी उम्मीद नहीं दिखती। वैसे भी आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के अलावा एक अच्छा खासा विकल्प मौजूद है जो कि वर्तमान में सरकार में भी है, तो तीसरा विकल्प यहां पर बीजेपी और कांग्रेस से नाराजगी के बावजूद भी मिल रहा है, तो यहां पर बहुजन समाज पार्टी हो चाहे कोई अन्य तीसरा दल उसको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मिलेंगे इस वीडियो में अपडेटों के साथ, तब तक आप चले तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल।